हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेपीसी की द्वारा नोटिस आ गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने बजे से होगा और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, एग्ज़ाम का जो डेट है 19 सितंबर को है, आप सभी को पता है, और दो फेज में एग्ज़ाम होगा, प्रथम फेज और सेकेंड फेज। जो फर्स्ट फेज है, देखिए, सुबह 10 से लेकर 12 बजे जेपीएससी पेपर वन होगा। 19 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जेपीएससी पेपर वन होगा। और दूसरा पाली देखिए, जेपीएससी पेपर टू 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। ध्यान से सुन लें आप लोग, एग्ज़ाम कब होगा, कितने बजे से होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो एडमिट कार्ड है कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एडमिट कार्ड जो है आप लोग को बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आप लोग को एडमिट कार्ड 4 सितंबर से आप लोग को एडमिट कार्ड जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे और परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र किसी कारणवश डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए दिए गए इन नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए हेल्पलाइन नंबर है 9431301419। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके यदि आपका डाउनलोड जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए और वहां से जो भी गाइडलाइन बताया जाता है उसे फॉलो कीजिए। एक और नंबर है देखिए 9431301636। इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और समय देख लीजिए, 18 तारीख 9वां महीना 2021, समय 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, समय 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। 4 तारीख से शुरू होकर आप लोग 18 तारीख के बीच में कभी भी कॉल करके इन नंबरों पर आप लोग संपर्क कीजिए। यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वहां से जो भी गाइडलाइन बताया जाता है उसे फॉलो कीजिए। आगे देखिए क्या लिखा गया है। देखिए, परीक्षार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र से संबंधित कोविड-19 से संबंधित स्वघोषणा पत्र एवं आवेदन के समय दिए गए फोटो के 2 स्व हस्ताक्षरित रंगीन फोटो तथा 1 वैध फोटो युक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य ले जाए, अन्यथा आप लोग को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि आप अपने साथ 2 रंगीन फोटो ले जाएं जो फॉर्म फिल करते समय दिए हैं। साथ ही आपको या तो वोटर कार्ड ले जाना है, या तो पैन कार्ड ले जाना है, या तो आधार कार्ड ले जाना है, किस 3 चीज़ में कोई एक ले जाइए, या तो किसी भी तरह का जो वैध प्रमाण पत्र है जिसमें फोटो लगा हुआ है उसे ले जाना आवश्यक है। वो भी क्या ओरिजिनल, क्या बोलते हैं, फोटो को भी नहीं, ओरिजिनल ले जाना, अन्यथा आप लोग को परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही बोला गया कि OMR शीट जो मिलेगा उसे अच्छी तरह से भरें, अन्यथा किसी भी तरह का गलती हो जाती है तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। आप लोग परीक्षा में ब्लू पेन लेके जाइएगा, साफ साफ लिखा गया, ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाइएगा। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, आगे आप लोग इसे पढ़ने के लिए टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाइए। साथ ही आप लोग अभी तक जेपीएससी पेपर 1 और जेपीएससी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं किए हैं तो बहुत ही कम फी में टारगेटपुर का जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसमें आप लोग को सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका फी बहुत ही कम रखा गया है। इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें।